नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र सिंह और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्वाद सदाबहार में। आज हम बनाएंगे लौकी की मुठिया। इसको बनाने के लिए हमने 250 ग्राम लौकी ली हुई है, जिसको कि छील करके हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। लगभग 1 टेबलस्पून तेल लिया हुआ है, 1 मीडियम साइज प्याज बारीक कटा हुआ, आधा कप गेहूँ का आटा लिया हुआ है, आधा कप बेसन लिया हुआ है, आधा कप सूजी ली हुई है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 4 से 5 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 2 से 3 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 2 चुटकी हींग ली हुई है, नमक स्वादानुसार, लगभग 2 टीस्पून शक्कर ली हुई है, 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा लिया हुआ है, 1/4 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सफ़ेद तिल लिए हुए हैं, 2 टेबलस्पून धनिया लिया हुआ है बारीक कटा हुआ, 1 नींबू लिया हुआ है, इसका हम रस यूज़ करेंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में आटा डालेंगे, रवा डाल देंगे, बेसन डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, अदरक, लहसुन, हल्दी पाउडर, हींग, हरे मिर्च, नमक, जीरा पाउडर और धनिया डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हमें अच्छे से सारे मसालों को मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम लौकी डाल देंगे। लौकी का हमने थोड़ा सा पानी निचोड़ लिया था, अब इसको हम फिर से मिक्स कर देते हैं। लौकी के साथ बाकी मिश्रण को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। लौकी मिश्रण के साथ मिक्स हो चुकी है, ये देखिए गीला हो गया है, लौकी ने तो पानी छोड़ा है। इसमें हमने अलग से पानी नहीं डाला हुआ है, जो लौकी ने पानी छोड़ा है उसी से हम इसको गीला करेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा गीला हो चुका है। अब इसमें हम चीनी डाल देते हैं और नींबू का रस डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आइए अब इसमें सोडा डाल देते हैं, सोडा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोडा अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसको हम लगभग 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। आइए तब तक हम दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। उसके लिए ये हमने छेद वाली थाली ली हुई है, जिसको कि हम छानने में यूज़ करते हैं। इसमें हल्का सा हम तेल ग्रीस कर लेंगे। थाली हमारी तैयार हो चुकी है। अब जो मिश्रण हमने बनाया था उसको ले लेते हैं। इसको हम एक बार और हल्का सा मिक्स कर लेंगे। ये लौकी ने देखिए अच्छा पानी छोड़ा है, काफ़ी गीला हो गया है, तो इतना ही गीला लगभग हमें इसको रखना है। अब हम इस मिश्रण का लगभग 1/4 हिस्सा ले लेते हैं और इसको इस तरह से एक हम लंबा शेप दे देंगे। इसी तरह से बाकी मिश्रण से भी हमने शेप बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम पकाएंगे। उसके लिए एक हम कढ़ाई लेंगे, इसमें लगभग 2 कप पानी डालेंगे। पानी जब खोलने लगेगा तो इसको हम रख देंगे इसके ऊपर और इसको ढक कर लगभग हम 20 मिनट तक पकाएंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, ये मुठिया बनकर तैयार हो चुकी है। इसको एक प्लेट में हम अलग निकाल लेते हैं। आइए मुठिया के छौ की तैयारी करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले ये जो हमने मुठिया बनाई हुई है इसको इस तरह से पतले स्लाइसेस में हम काट लेंगे। तो इस तरह से हमने सारे स्लाइसेस काट लिए हैं, अब इनको हम छौंकेंगे। उसके लिए एक हम कढ़ाई ले लेते हैं। कढ़ाई में हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून तेल डाला हुआ है। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें जीरा डाल देंगे और जब जीरा हल्का सा भुन जाएगा तो इसमें हम तिल डाल देंगे। यहाँ पर फ्लेम हम मीडियम लो रखेंगे, तिल हमारे चटकने लगे हैं। अब इसमें जो हमने मुठिया काटी हुई थी, मुठिया के जो स्लाइसेस काटे हुए थे वो इसमें डाल देंगे और इसको इस तरह से चलाते हुए लगभग हम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। एक हल्का सा गोल्डन कलर जब इसमें आ जाएगा तब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए गोल्डन कलर आ चुका है, बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आया है। आइए इसमें धनिया डाल देते हैं और धनिया के साथ इसको हम इस तरह से चलाते हुए हल्का सा मिक्स कर देंगे।
ये मुठिया बनकर तैयार हो गई है। अब इसको एक प्लेट में निकालिए और गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व कीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।